Last time we have seen the first topic, that is articles, and articles is very easy but needed this time because you are writing a language, either it's essay or report writing or whatever you are writing, so article has an important role. Today we will start with the very important topic that is known as tenses. So you have learned about these things in standard 8th and standard 9th as well. But this time we will see the tenses part in little bit, you know, detailed manner. तो हम थोड़ा इस बार इसको डिटेल में देखेंगे. टेंसेस बेसिकली तीन है, जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, पहले है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. तो ये तीन टेंस है जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन जो हमें पहले से पता है, बट ये ब्रॉडर का एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होता है कि प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. वैसे पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है. हमें अब तक इतना पता है कि प्रेजेंट दैट मींस व्हाटएवर इट इज गोइंग एट प्रेजेंट, अभी ये जो वर्तमान में जो भी क्रियाएं हमारी चल रही है वो सारी एक्शंस जो है वो प्रेजेंट में कंसिडर होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाटएवर द थिंग्स व्हिच हैपेंड इन पास्ट, तो वो जो है वो पास्ट में कंसीडर होती है. मतलब दो दिन पहले हुआ है, दो साल पहले हुआ है, बीस साल पहले हुआ है, ऐसी कोई भी घटना, कोई भी इवेंट को हमें मेंशन करना है, सो दैट वी डेपिक्ट इनटू द पास्ट टेंस. एंड देन वी हैव फ्यूचर टेंस, दैट मींस कुछ हुआ नहीं है बट होने वाला है. देयर आर सम पॉसिबिलिटीज, सम प्रोबेबिलिटी, देन दैट वी विल कंसीडर इनटू द फ्यूचर टेंस. सो दिस इज द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन दैट वी ऑल नो. नाउ Why we are learning tenses? That's the very important question. कि tenses क्यों important है? Because tenses आपको सही से आते हैं. If you have good understanding of this topic called tenses, then you will be able to narrate in a better manner in the topic called active passive, and in the same line you will be able to understand direct indirect topic in very depth manner. So this is what the importance of tenses. कोई भी topic आप English grammar का लोगे उसमें tenses का direct या indirect connection होगा ही होगा. Even whenever you are writing your answers, essays, रिपोर्ट, नोटिस, कुछ भी, कोई भी टॉपिक आप ले लो तो सब में टेंसेस का जो यूज है वो आएगा. एंड इफ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसेस विथ दैट, इफ यू कैन एबल टू लर्न दैट कि कहां पे कौन सा टेंस हम यूज करें, सो यू विल बेटर एक्नॉलेज द थिंग व्हाट यू वांट टू टेल अनदर पर्सन. तो आपको जो भी सामने वाले को बताना है वो आप अच्छे से टेंसेस के जरिए उसका प्रॉपर यूज करके बता सकते हैं. सो दैट इज व्हाई वी आर गिविंग सम मोर इम्पोर्टेंस टू दिस टॉपिक, एंड वी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस. तो हम सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट करके सारे टेंसेस को हम पढ़ेंगे. टोटल देयर आर 12 टेंसेस. जैसे प्रेजेंट के 4 है, वैसे पास्ट के भी 4 है. जैसे कि सिंपल पास्ट, past continuous, past perfect continuous tense, same like future, simple future, future continuous, future perfect continuous tense. So we will learn all the 12 tenses. Okay, so let us start with the simple present tense. Simple present tense, उसमें keywords जो है वो है ever, never, usually, sometimes, daily, everyday, almost, always, etc. Keywords क्या है पहले तो? Keywords वो words है कि जो words को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, या तो आपको एक prediction मिलता है कि भाई ये जो word है ये अगर sentence में आपको दिखता है, then there are 99% chances कि वो tense simple present tense होगा. राइट, सो दिस इज द कीवर्ड, इसीलिए उसको कीवर्ड बोला जाता है, जो आपको एक की देता है कि जिसकी वजह से आप पहचान पाओगे कि कौन सा टेंस है. सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए दीज वर्ड्स विल बी हेल्पफुल टू यू. राइट, सो ये कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है
कि एवर नेवर यूजुअली समटाइम्स डेली एवरीडे ऑलमोस्ट ऑलवेज ऐसे कोई भी वर्ड इसमें से कोई भी वर्ड आपको देखने को मिलता है तो वो टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता है राइट. सो दिस थिंग यू नीड टू नो. इसके बाद अगर हम यूज देखें तो ब्रॉडली रूटीन एक्टिविटीज को मेंशन करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज होता है कि भाई कोई भी रूटीन एक्टिविटी को मेंशन करना है जैसे कि हर रोज स्कूल में जाना फिर ट्यूशन में जाना दादाजी है तो हर रोज मंदिर में जाते हैं तो ऐसी कोई भी रूटीन एक्टिविटी है मदर जो है तो मतलब हमेशा कुक करती है हर रोज कुकिंग करती है तो वो उसकी रूटीन एक्टिविटी है तो कोई भी रूटीन एक्शन को मेंशन करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. सेकेंड वन इज टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ. तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है दैट मींस एग्जांपल हम लेते हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट सो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ कि जो पहले भी वो वही था आज भी यही है और फ्यूचर में भी सेम रहने वाला है. सो वैसी कोई भी एक्शन है कि दैट इज लाइक यूनिवर्सल ट्रूथ की जो यहाँ पे भी सेम है यूएसए में जाओगे तो भी सेम है और वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई होता है. सो वैसा कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ मेंशन करना है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. एंड थर्ड वन इज द कोटेशंस दैट इज गिवन बाय एनीबडी. किसी ने भी कोई कोटेशन दिया है कोई फेमस पर्सन ने कुछ बोला है तो उसका इंपैक्ट वो टाइम पे भी वही था अभी भी वही है और फ्यूचर में भी वही रहने वाला है. सो कोटेशन जब भी मेंशन होते हैं तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंसीडर करते हैं जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सो दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो ये दोनों चीजें आपको पहले ध्यान में रखना है कि कीवर्ड्स है और यूज है. ये कीवर्ड्स को देख के आप देख सकते हो कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये आपको पता चलता है और ये है उसके यूज. तो ये दोनों चीजें आप आपको हेल्पफुल रहेगी सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए. नाउ लेट अस सी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस की पैटर्न कैसी होती है. तो अफर्मेटिव सेंटेंस की जब बात करते हैं देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट यू नो. फर्स्ट इज द अफर्मेटिव सेकंड इज द नेगेटिव थर्ड वन इज द इंट्रोगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव. तो दीज आर द फोर टाइप्स. तो उसमें हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए क्या होता है. तो उसमें पहले आएगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट दैट मींस द पर्सन और द सब्सटेंस व्हिच इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्शन. कोई भी एक्शन जो कर रहा है वो आपका क्या होगा सब्जेक्ट. इसके बाद यहां पे मैंने लिखा है V1 दैट मींस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे कि हम लिखते हैं कि गो वेंट एंड गॉन. तो ये V1 कंसीडर होता है दिस इज V2 एंड दिस इज V3 दैट यू ऑल नो राइट. सो यहां पे V1 आएगा. नाउ द क्वेश्चन इज प्लस एस और ES. तो ये सब में ऐसे नहीं होता. कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ V1 आएगा और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें V1 के साथ S और ES depends on the spelling of the verb that will be there. इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा एंड अदर वर्ड्स जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स है वो आएंगे. सो नाउ क्वेश्चन यहां पे दो है कि अकेला V1 कहां पे आएगा और कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें V1 आएगा और उसके साथ S या तो फिर ES ये दोनों में से एक आएगा. सो लेट अस सी कि ही शी इट दैट मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर की जब भी बात है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी सब्जेक्ट होता है तब वर्ब के साथ S या ES यूज होगा. Whenever third person singular is there, that means he, she, it, या तो फिर कोई भी नाम जैसे कि राहुल है रोहन है कोई भी नाम है तो he, she, it, third person singular जब भी होगा as a subject, then V1 के साथ S या तो फिर ES depends on the spelling of the verb वो use होगा. तो ये आप सबको ध्यान में रखना है. You have already learned कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या है सेकंड पर्सन प्लूरल क्या है सेम लाइन थर्ड पर्सन.
यहां पे आपको ध्यान में यही रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी हो दैट मीन्स ही शी इट या तो फिर एनी ऑफ द नेम कोई भी नाम हो तब उसके साथ एस या एस आएगा अदरवाइज इन ऑल द कंडीशंस ओनली वी वन विल बी यूज्ड एस और एस वहां पे नहीं लगेगा सो दैट यू नीड टू नो. So, we have seen the structure कि सेंटेंस को कैसे हम लिख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. लेट अस सी द एग्जांपल. आई टीच इंग्लिश एवरीडे. तो यहां पे एवरीडे जो है वो क्या है कीवर्ड है. तो ये कीवर्ड को देख के हमें पता चला कि भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. आई टीच इंग्लिश एवरीडे. तो एवरीडे से हमें पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. नाउ यहां पे सेंटेंस का फॉर्मेट हमने लिखा था कि पहले क्या होगा सब्जेक्ट, बाद में क्या होगा वी वन, तो वी वन ही है. फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है. एवरीडे क्या है एक्स्ट्रा वर्ड्स, अदर वर्ड्स, व्हाटएवर यू हैव, राइट. सो आई टीच इंग्लिश एवरीडे. सेकंड, ही प्लेज क्रिकेट डेली. तो डेली अगेन ये कीवर्ड है और इससे हमें पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है. नाउ सब्जेक्ट वी वन, बट यहां पे देखो कि वी वन के साथ हमने एस बी एड किया है. नाउ रिमेंबर दैट आई हैव टोल्ड यू कि जब भी ही शी इट या तो फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर एनी नेम वो होगा तब वी वन के साथ एस या ई एस यूज होगा. सो ही प्लेज क्रिकेट डेली. तो यहां पे एस का यूज हुआ है. सो दैट यू नीड टू नो. थर्ड एग्जांपल, यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट समटाइम्स. तो यहां पे समटाइम्स को देख के हमें पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, तो यू जो है वो कौन सा है सेकंड पर्सन सिंगुलर है. अब सेकंड पर्सन है तो यहां पे एस या ईएस यूज नहीं होगा. देखो फर्स्ट में भी नहीं हुआ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दिस इज सेकंड पर्सन सिंगुलर, तो इसमें नहीं होगा. तो यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट समटाइम्स. फोर्थ वन इज सेजर सिंग्स प्रेयर एवरी मॉर्निंग. तो सेजर जो है वो हर एक मॉर्निंग में प्रेयर गाती है. तो यहां पे सेजर जो है वो क्या है एनी नेम, एनी नेम दैट मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात है तो सिंग के साथ यहां पे आप देख सकते हो हमने एस यूज किया, सेजर सिंग्स प्रेयर एवरी मॉर्निंग. सो नाउ थर्ड पर्सन को हम रिकॉग्नाइज कैसे करें. टेक्निकली फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आपको देते हैं ग्रामर में, वो आप पहले सीखे भी होगी, वो तो सेवेंथ एट स्टैंडर्ड में आ जाता है. बट प्रैक्टिकली अगर हमें देखना है कि थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, हम कैसे रिकॉग्नाइज करें. सिंपल टेक्निक, आई दैट मींस फर्स्ट, मैं खुद हूं तो मैं मेरे लिए फर्स्ट पर्सन हूं. नाउ आई विल टेल यू दैट मींस आप, तो आप मेरे लिए सेकंड पर्सन हुए. मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हो, और इसके सिवा कोई थर्ड पर्सन की बात है और वो थर्ड पर्सन कौन है. एज फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक सेजल. तो सेजल मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हो, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो या तो फिर ऐसे आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है. तो एनी ऑफ द नेम होगा तो उसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि हम खुद तो नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, तो एनी ऑफ द नेम हमेशा क्या होगा थर्ड पर्सन. सो दैट इज द टेक्निक टू नो दैट विच इज द थर्ड पर्सन. नाउ दीज आर द एग्जांपल्स. तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सेंटेंस को कैसे डिजाइन करें. लेट अस सी और लेट अस सॉल्व दिस टू ब्लैंक्स. हम ये दो ब्लैंक को सॉल्व करते हैं. आई ब्लैंक एवरी डे एट 5 o'clock और मैंने यहां पे ब्रैकेट में दिया है टू गेट अप. तो यहां पे पहले तो हमें मान लो कि यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्कस हो रहा है तो आपको पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है तो यही आंसर होगा. बट जब एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस का यूज हुआ हो, डिफरेंट डिफरेंट ब्लैंक्स आपको दी हो, तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है. तो लेट अस सी, यहां पे हमें कीवर्ड दिखता है एवरीडे. एवरीडे दैट मींस हर रोज, हर रोज दैट मींस रूटीन एक्टिविटी की बात है. रूटीन एक्टिविटी है दैट मींस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो ये कीवर्ड हमें हेल्प करेगा. आई ब्लैंक एवरीडे एट 5 o'clock. अब आई कौन है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यहां पे ब्रैकेट भी दिया टू गेट अप.
तो गेटअप ऐसे ही यहां पे यूज होगा। अगर थर्ड पर्सन होता, आई की जगह ही होता, तो हम क्या लिखते, गेट्स अप। बट यहां पे क्या है, आई, तो आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। तो ये सेंटेंस जो है उसमें ऐसे ही जो वी वन दिया है वो यूज होगा। सेकेंड लेट अस सी, बीना बेन ब्लेंड डिलीशियस फूड एवरी टाइम। बीना बेन जो है वो हमेशा हर बार डिलीशियस फूड, अच्छा खाना बनाती है, राइट? तो बीना बेन जो है उसमें आपको देखना है कि बीना बेन मैं नहीं हूं, आप भी नहीं हो, तो फर्स्ट सेकेंड, तो बीना बेन कौन हुए, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में बीना बेन अकेले की बात है, दैट मीन्स बीना बेन इज अ सिंगुलर। तो बीना बेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो कुक के बाद क्या आएगा, एस या ईएस, दैट मीन्स बीना बेन कुक्स डिलीशियस फूड एवरी टाइम। सो दिस इज व्हाट द टेक्निक इज। आप ऐसे, आपको पहले तो टेंस को आइडेंटिफाई करना है। टेंस एक बार आइडेंटिफाई हो गए, उसके बाद ये देखना है कि भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तभी आपको वी1 के साथ एस या ईएस का यूज करना होगा, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट है उसमें वी1 अकेला आएगा, राइट? सो वी हैव सीन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं। नाउ वी आर लुकिंग टू द नेगेटिव सेंटेंसेस, कि भाई नेगेटिव सेंटेंसेस है तो नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे हम लिख सकते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट के बाद यहां पे जो ऐड हुआ वो क्या है, डू डस, और डू डस के बाद ही नॉट यूज होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब भी नेगेटिव है तब आपको हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद डू डस आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद ही वी वन आएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यहां पे आप थोड़ा फोकस करके देखो कि वी वन जो है, मैंने यहां पे एस ई एस का कोई भी मेंशन नहीं किया है, दैट मीन्स मैंने यहां पे अकेला वी वन लिखा है। सो नाउ यू विल हैव क्वेश्चन कि सर आगे आपने बोला अफर्मेटिव में कि सब्जेक्ट के बाद वी1 जब हम लिखते थे तो उसके बाद एस सी एस को हम मेंशन करते थे, बट यहां पे कोई भी सब्जेक्ट है हमेशा वी1 क्यों आएगा। सो लेट अस सी दैट। वहां पे आपने देखा कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता था तब हम वी1 के साथ एस या एस को यूज करते थे। नाउ यहां पे मैंने एक एड किया है डू और डस, मतलब दोनों साथ में नहीं आएंगे, या तो डू आएगा या तो डस आएगा। रूल इज जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब उसमें डस आएगा, बाकी का कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें डू आएगा, दैट मीन्स ही शी इट कोई भी नाम है तो उसमें डस आएगा। अब डू और डस ये डिफरेंस क्यों है, सो वो भी हम देख लेते हैं। लॉजिक ही है यहां पे कि डस जो है, जो आपका V1 अफर्मेटिव V1 में आप लिखते थे कि मान लो कि कबीर प्लेस, मान लो कि ये डज नॉट नहीं है, तो कबीर प्लेस बैडमिंटन यूजुअली, तो ये प्लेस के बाद, जो प्ले के बाद ये एस था, वो एस को हमने यहां पे ट्रांसफर किया, यहां पे ओ है, दैट मीन्स ई एस लगेगा। तो आपका यही अफर्मेटिव का एस जो है वो डू के बाद ज्वाइन हो जाता है, और फिर वो नेगेटिव जब होगा तब डज नॉट प्ले ही आएगा, एस का एस या एस नहीं आएगा। तो ये जो है वो डू में से डज ऐसे बनता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डू डज में लॉजिक क्या है। डज जो है वो एंड ऑफ द डे आपका जो एस ई एस था अफर्मेटिव में वो यहां पे अटैच होता है और इसमें से डू से डज बनेगा। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। आई डू नॉट रीड इंग्लिश न्यूज पेपर डेली। तो यहां पे है कि मैं हमें मतलब हर रोज इंग्लिश न्यूज पेपर नहीं पढ़ता, तो आई जो है वो थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो इसमें क्या यूज हुआ, डू। तो आई डू नॉट रीड, तो देखो डू नॉट यूज हुआ, रीड के बाद एस ई एस, आई है दैट मीन्स नहीं होगा, बट यहाँ पे डू यूज हुआ। डस क्यों यूज नहीं हुआ, द रीजन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर होता तो उसमें डस का यूज होता है, बट यहां पे फर्स्ट पर्सन है तो डू डस, सॉरी डस नहीं आएगा।
सेकेंड इज ही डज नॉट कुक फूड एवरी डे. तो यहाँ पे डज क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया है आपको, ही दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड वन इज कबीर डज नॉट प्ले बैडमिंटन यूजुअली. कबीर एक नाम है, बट नाम है इसलिए क्या हुआ कि कबीर नाम है, दैट मीन्स वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है दैट मीन्स यहाँ पे क्या यूज हुआ, डज. देन यू डू नॉट ब्रिंग फ्लावर्स एवरी मॉर्निंग. तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ, डू यूज हुआ. अगर मान लो यू की जगह यहाँ पे रेखा होता तो रेखा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या होता है, डस. बट यहाँ पे यू दिया है, दैट मीन्स यू डू नॉट ब्रिंग फ्लावर्स एवरी मॉर्निंग. नाउ यू नीड टू डू वन थिंग कि आपको जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने डिस्कस यहाँ पे किए थे वो सारे सेंटेंस को खुद से नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और ग्रुप में आपको उसका जो इमेज है वो अपलोड करना है. आई विल चेक दैट एंड आई विल रेक्टिफाई द एरर्स, राइट. तो आपका ये होमवर्क है. इसके अलावा कुछ ब्लैंक्स और कुछ सेंटेंसेस होंगे, दैट आई विल पोस्ट इन टू द ग्रुप, एंड दैट यू नीड टू सॉल्व अकॉर्डिंगली. सारे इंस्ट्रक्शन वहां पे होंगे. सो टूडेज टास्क इज टेंसेस का जो ओवरव्यू है वो आपको एक बार देखना है कि टेंसेस क्या है, टेंसेस के टाइप कितने हैं, उसका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन क्या है. और इसके बाद हमने स्टार्ट किया सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको प्रिपेयर करना है कि उसके कीवर्ड्स कौन से हैं, यूज कहां पे होता है, और कीवर्ड्स और यूज आपको कंप्लीटली पता चलेंगे. उसके बाद आपको स्टार्ट करना है इसका स्ट्रक्चर. तो अफर्मेटिव सेंटेंस को पहले आप सीखो, अफर्मेटिव सेंटेंस को आप पहले समझो कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसमें V1 कहां आएगा, V1 के साथ SES कहां पे आएगा, what is first person, what is second person, what is third person, that I have already narrated to you, and then you need to go through the negative sentence, उसका structure और उसके examples, and you need to do maximum practice of the same. In next lecture, we will begin from the interrogative sentence, right? Thank you.